इसका रेट मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। सो भाई, आज सुबह की शुरुआत हुई कि एक ईयरफोन लेके आना मम्मी के लिए, क्योंकि कल मम्मी एक ईयरफोन लेके आई, वो टूट गया। है मम्मी, आ गया मजा? मम्मी को आ गया मजा, कल लेके आए उसी टाइम में टूट गया। तो भाई अभी मैं लेने के लिए जा रहा हूँ नया ईयरफोन, बट मेरे को अभी याद आया कि यार मेरा ट्राईपॉड खराब हो चुका है। मतलब दिखाता हूँ आपको कि क्या उसमें खराब हो रखा है। तो लगे हाथ सोच रहा हूँ कि उसको भी ठीक करवाने दे दूँ, बट आसपास यार यहाँ पर कोई रिपेयर करने वाली है नहीं शॉप। बट जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, अगर मैं पूछ लूंगा उनसे कि यार ठीक हो सकता है तो देख लो, क्योंकि मैं अभी लेके तो जा रहा हूँ इसको। देखो ये वाला है, अभी मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या खराब हो रखा है इसमें। तो ये रहा ट्राईपॉड, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको मैं जितना भी टाइट कर रहा हूँ तब भी टाइट करने के बाद ये लूज ही रह रहा है। रुको रुको, इसको पूरा खोलना पड़ता है। अब इसको देखो पूरा लूज हो रखा है। इसको चाहे मैं जितना भी टाइट कर लूँ, यहां से टाइट करूं, ये तो अभी खोलने का है। अब इसको मैं टाइट करता हूँ, ये देखो जितना भी टाइट कर सकता हूँ इसको कर लिया मैंने टाइट। ये वाला तो खोलने के लिए होता है ट्राईपॉड का, मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगा। ये देखो ये तो इसे खोलने का है, ये भी अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिक्कत सिर्फ इसी में है कि इसको जितना भी टाइट कर लूँ मैं जितना भी, बट तब भी ये देखो उतना ही लूज रह रहा है। इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वीडियो शूट करते करते जो मेरा कैमरा है वो बार बार नीचे पीछे गिर जा रहा है, कभी आगे गिर जा रहा है, कभी पीछे गिर जा रहा है, कभी आगे गिर जा रहा है। मैं बोला भाई काहे की बनाऊं वीडियो फिर यार, कैसे बनाऊं? तो ये दिक्कत होती, नहीं तो मैं तो भैया वही बाहर जो शूट करना होता है ना, तो मैं इसी से ही करूं। तो मैं वैसे सोच रहा हूँ कि भाई ये अगर ठीक हो गया ना तो बस मजा आ जाएगा। फिर देखो भैया एक से एक ब्लॉग आने वाले बाहर जो मैं अकेले जाके बनाऊंगा, अकेले की मैंने सोच रखी है, बट मैं बना नहीं पा रहा क्योंकि मेरे ट्राईपॉड खराब हो रखे हैं सारे के सारे। जिस भी बेसिस में मैं बनाता हूँ खराब ही हो जाते हैं। तो तभी मैंने डिसाइड कर रखा है कि इसको मैं फटाफट जाता हूँ दिखाने के लिए और देखता हूँ कहीं से रिपेयर हो सकता है, तो हो जाए तो बढ़िया है। देखो आपको मिलेंगे एक से एक ब्लॉग उसके बाद। तो ले लिया और अब चलता हूँ सीधा बाहर। सो भाई अभी एक जगह दिखाया मैंने तो उन्होंने मना कर दिया, वो कह रहे हैं कि उत्तम नगर की साइड जाओ, वहां पर रिपेयर की शॉप है। तो मैं देखता हूँ उधर ही की साइड जाता हूँ कि वहां पर शायद मिल जाए। तो बाकी एक बार मैं सीधा जाके देखता हूँ, एक दुकान है वैसे हर शॉप का मेरे को ध्यान आ रहा है जहाँ पर रिपेयर होता है, तो लगे हाथ देख रहा हूँ वहीं पर ही ठीक करवा दूंगा। और ईयरफोन अभी लिया नहीं है मैंने, तो मैं ईयरफोन भी लूंगा, बट सीधा जाके यहाँ से राइट टर्न लूंगा तो अपना उत्तम नगर आ जाएगा, अपना आर्य समाज रोड। बट अभी मैं सीधा जा रहा हूँ, एक बार यहाँ से सीधा मटियाला जाके देखता हूँ, राइट साइड लूंगा तो आर्य समाज रोड है अपना। बट एक बार थोड़ा सा और आगे सीधा घूम के आता हूँ यार, क्या पता मिल जाए। तो यार मैं ना कुछ ज्यादा आगे आ गया और मिला कुछ भी नहीं, तो मैं यू टर्न लेके फिर वार से जा रहा हूँ, जहाँ से मैं राइट साइड में आपको बता रहा था ना उत्तम नगर आर्य समाज रोड आता है, तो उधर ही की साइड में जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो भाई सच्ची में कुछ नहीं मिला है। तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है यार, गर्मी भी लग रही है। तो निकलते हैं, आप सबको दिखाता हूँ वहाँ का भी व्यू। तो आगे वही जगह, ये है शांति नर्सिंग होम करके, तो यहाँ से लेना है मेरे को लेफ्ट। सो भाई अब मैं आ गया आर्य समाज रोड की साइड, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए मैं वीडियो वहाँ की बना नहीं पाया, बट आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं अभी दिखाता हूँ इधर की साइड का। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आ जाएगा आर्य समाज रोड, और उससे सीधा जाएंगे तो आ जाएगा मंगल बाजार रोड। तो भाई ये देखो सीधा टक्कर में जाके मेरे को लेना है लेफ्ट, इधर से भी कट ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर कट है वो जाएगा मेट्रो के लिए, बट सीधे जाना है, सीधे जाके जहाँ से वो स्कूटी आ रही है। तो एक बार इस शॉप में जाके देखता हूँ, इसमें ट्राईपॉड तो दिख रहे हैं और लूज ही रह रहा है बिल्कुल, तो जितना भी टाइट कर लो लूज कर लो सेम बिल्कुल। ऐसे में भी है, गिर जा रहा कभी ऊपर जो आगे गिर जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। लग तो वैसे सही रहा है ये वाला ही, ये आपके हिसाब से कौन सा सही होते हैं वैसे, ये वाले या फिर ये वाले गोरिल्ला वाले? गोरिल्ला पे आप फोन लगा सकते हैं और इसे 8 किलो तक का लगा सकते हैं, इसमें वो इजी लैंडस्केप पोर्ट्रेट हो जाता है। सो भाई मेरा न्यू ट्राईपॉड इस पॉलिथिन में ब्लैक वाली, और मेरा जो ट्राईपॉड है वो भी ठीक हो चुका है। बेसिक सी चीज थी वो मुझे पता नहीं थी, तो मैं आपको भी बताऊंगा घर जाते ही कि क्या प्रॉब्लम थी उसमें। सो भाई अब मैं चलता हूँ छोटी छोटी पतली पतली गलियों से सीधा घर की तरफ, क्योंकि आप सबको दिखाना भी है जो मैंने अभी खरीदा है ट्राईपॉड। सो भाई घर में तो मैं आ गया हूँ और फटाफट पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा आपको कि भैया क्या लेके आया हूँ मैं, ठीक है। सो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने नया ट्राईपॉड लिया है, तो अनबॉक्सिंग हो जाए। ये मैंने लिया है फ्लेक्सीबल वाला, कि इसके अंदर जो फीचर है वो मैं पहले बताता हूँ आप सबको। जैसे आप नॉर्मल लेते हो गोरिल्ला ट्राईपॉड लेते हो, गोरिल्ला ट्राईपॉड, तो गोरिल्ला वाले में ये प्रॉब्लम होती है कि वो सिर्फ कैरी कर सकता है 3 kg का वेट, सिर्फ 3 kg का, और ये कैरी कर सकता है 8 kg तक का। मतलब इसमें मैं DSLR भी लगा सकता हूँ, बड़े वाले कैमरे भी लगा सकता हूँ, जो अप टू
8 केजी तक हूँ बस, उससे ज्यादा नहीं, तो ये आराम से उसको होल्ड कर लेगा और फ्लेक्सिबल भी है। आपको बाकी ये मैं दिखा देता हूँ होल्डर, ये वाला जो मैंने ले रखा है, ये वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये वाले होते हैं बढ़िया, नहीं तो एक मेरे पास ये वाला पड़ा है, इस वाले में जो मेरा कैमरा होता है ना वो बार बार गिर जाता है, और ये देखो टूट भी गए, ये देखो इसके अंदर का जो होता है फॉर्म वो भी बस खराब हो गया, तो ये वाला होल्डर बहुत बढ़िया होता है, देखो आराम से इसमें मैं लगा सकता हूँ जब भी मेरे को लगाना हो, अपना कैमरा फिट करना हो ये, और ट्राइपॉड मेरा ये रहा। इसमें एक फीचर आपको बताता हूँ क्या है कि आराम से आप इससे वीडियो तो बना रहे हो बहुत बढ़िया है, बट इसको हम निकाल भी सकते हैं, इधर की साइड पोर्टेबल है, इसको निकाल के आप यहां पर DSLR भी फिट कर सकते हैं, इधर की साइड देख रहे हो यहां पर भी फिट कर सकते हो और यहां पर भी फिट कर सकते हो, देखो दो ऑप्शन है इसमें दो। और इसमें एक और फीचर है कि मेरे को जिस भी डायरेक्शन में करना है इसको उस डायरेक्शन में कर सकता हूं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, अब इसको मैं खोल के दूसरी साइड भी कर सकता हूं, ये देखो ये वाला दिख रहा पोर्शन, इसको मैं इधर की साइड भी कर सकता हूं और यहां लेके और इसको और घुमा भी सकता हूं, देख रहे हो ये इसमें फीचर है, तो ये चीज मेरे को अच्छा लगा। और इसमें एक फीचर और है कि पहले इसको मैं टाइट कर देता हूं, क्योंकि भाई टाइट करके ही आराम से इसमें बना सकते हो, नहीं तो मेरे पास जो इससे पहले पड़ा होता है वो इतना ढीला था सच्ची, और उसको लेके कभी पीछे गिर रहा है कभी आगे गिर रहा है, ये प्रॉब्लम होती थी। और एक चीज ये भी है कि जैसे ये आपको दिख रहा होगा इसका स्टैंड, तो इसको मैं कहीं पर भी मोड़ सकता हूँ, फ्लेक्सीबल है ये देखो ये देखो, जैसे कहीं पर भी इसको फिट करना हो तो आराम से कर सकता हूँ। और इसका जब मैं एक्चुअल प्राइस देख रहा था अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में, तो उसमें आ रहा था 1800 रुपए का, मतलब 2000 का भी आ रहा था, 1700 का भी आ रहा था। और जब मैंने अभी देखा ना शॉप में जाके, मैं बोला यार मतलब पूछने से पहले मैंने बोला कि यार पक्का होगा 1000-1200 का होगा, फिर मैंने जब सुना कि भाई इसका रेट क्या है, देख के मैं चौंक गया यार सच्ची में। इसका रेट मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में मिल गया मेरे को, सही है यार, आप चाहे सर्च भी कर लो इसको, सच्ची में यार मैं हो तो गया इसको शॉप देख के, यार चलो यहाँ पर मिल तो गया, नहीं तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा पड़े थे गोरिल्ला ट्राइपॉड्स। तो आपको अगर ये सही लग रहा हो तो भैया मुझे कमेंट करके बोलना, और अगर आपको ही ये खरीदने हैं तो आ जाओ भैया मेरे पास, आपको दिलवा दूंगा मैं अच्छे रेट में, क्योंकि उत्तम नगर की साइड में मिल जाते हैं। और अब से मैं इसी से वीडियो बना करूंगा, कहीं पर भी जाओ आराम से वो। तो भाई आपको मैंने ये तो दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ जो मेरा ट्राइपॉड रिपेयर होकर आया। अब वो रिपेयर ऐसा हो रखा है कि 2 मिनट भी नहीं लगे उसको ठीक करने में, मुझे फीचर ही नहीं पता था कि भाई ऐसे यूज होता है, और मैं तब से बस इसको रखा हुआ था कि यार चलो यार खराब हो गया यार कैसे यूज करूं यार कैसे यूज करूं यार। तो अब मैं इसको करता हूं, खोल के दिखाता हूं सबको, जब मैं इसको ले जा रहा था रिपेयर करने के लिए, कि इसका जो हेड है वो बार बार टर्न हो जा रहा है, कभी इधर कभी इधर, और मैं सोच रहा हूं कि यार ये खराब हो गया। और इसका एक फीचर मेरे को बताया उन्होंने कि भैया ये ठीक कैसे होता है, जैसे मैंने ये लिया ठीक है, और अब मैं इसको टाइट भी कर रहा हूँ, मैंने टाइट कर दिया इसको, दिख रहा होगा आपको ये तो खुल रहा है, तो मैंने इसको टाइट कर दिया, देखो दिख रहा है आपको इतना ढीला हो रहा है, चाहे मैं इसको टाइट भी कर दिया मैंने अच्छे से आपके सामने दिखाया था, देखो है ना। और अब इसका मेरे को फीचर पता चला कि भैया ये ठीक कैसे होता है, कि जो इसका ये वाला हैंडल है इसको करना है मेरे को टाइट, इसको जैसे मैंने टाइट करा, टाइट करने के बाद देखो कहीं पर भी नहीं मुड़ रहा, देखो बिल्कुल टाइट हो गया, और मुझे पता ही नहीं है, देखो बिल्कुल टाइट हो गया, और मुझे पता ही नहीं था कि भैया ऐसे भी होता है। जब मैं वहां पर भैया के पास गया और उन्होंने देखा कि रिपेयर करना क्या है इसका, क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम तो थी पर आपने ठीक कर दिया तो कह रहे भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस इसका ये हैंडल होता है इसको बस मोड़ना होता है, इसको जैसे हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे मोड़ा हमने, मोड़ने के बाद बिल्कुल टाइट, तो बस ये भी ठीक है। और कब से रखा हुआ था ऐसे कि यार खराब हो गया, लॉकडाउन से पहले तक का मैंने मतलब रखा हुआ था इसको, कि ये खराब हो चुका है यार इसको रिपेयर कराना, पर लॉकडाउन लग गया, पर अब खुल गया तो अब गया उत्तम नगर, पता चला तो भैया बिल्कुल ठीक, सो सही है यार हो गया ठीक, और क्या चाहिए। सो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी ना, जो मैं अभी ट्राइपॉड का आपको दिखाया कि आप कैसे परचेज कर सकते हैं और कौन सा ले सकते हैं, तो भैया आप सब कमेंट करके बताना मेरे को कि मैंने सही लिया है कि नहीं लिया, या इससे अच्छा कोई सजेस्ट कर सकते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो भैया आज के ब्लॉग में इतने रखता हूँ, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सब भी खुश रहें। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।
We'll be right back.